हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवीएस टेक्नोकॉन वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे कि लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में आप कैसे अपनी स्लाइड्स में कंटेंट को ऐड कर सकते हैं, आप उसकी एडिटिंग कर सकते हैं, कैसे आप अपने कंटेंट को डिलीट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, लेट अस सी हाउ टू राइट आवर कंटेंट इन स्लाइड। टिल दिस पॉइंट यू नो हाउ टू मेक न्यू स्लाइड, लेट अस मेक इट मोर मीनिंगफुल। सिर्फ कंटेंट को लिखने से ही आपकी जो स्लाइड है वो मीनिंगफुल बनती है, तभी आप रिप्रेजेंट कर पाते हैं कि बट एक्चुअली यू वांट टू से, आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, आपको क्या बताना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हाउ टू ऐड द कंटेंट सिंपल है। जैसे हम अपने डॉक्यूमेंट में अपने कंटेंट को ऐड करते हैं, इन द सेम मैनर वी कैन ऐड द कंटेंट इन आर स्लाइड टू। फॉर एग्जाम्पल, हेयर आई हैव चोजन दिस स्लाइड, ये आपकी टाइटल स्लाइड है जिसमें एक टाइटल हमें यहाँ चाहिए एंड सम पैराग्राफ और सम सॉर्ट ऑफ पॉइंट्स और एनीथिंग अकॉर्डिंग टू दैट हेडिंग वी नीड टू राइट ओवर हियर। सो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पर डबल क्लिक करती हूँ। जैसे ही आप किसी भी बॉक्स में, जो स्लाइड्स में आपको बॉक्स मिलता है उसमें आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो वहां आपको कर्सर ब्लिंक करना स्टार्ट करता है, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। सो अगर हम यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहिए, लेट्स की मैं यहाँ पर कुछ ऐड करती हूँ लिब्रा ऑफिस के बारे में। Let's say LibreOffice is a open source software application. ये एक लाइन हमने यहां लिखी। So writing the content और adding the content is same, जैसे कि आप अपने notepad में करते हैं या आप अपने writer में बनाते हैं। आप अपने keypad से, keyboard से type कर सकते हैं और उस content को आप add कर सकते हैं। आप यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ कंटेंट कॉपी किया हुआ है, मैं सिंपली प्रेस कर रही हूँ कंट्रोल वी। ये देखिए, मैंने कंट्रोल वी प्रेस किया और वो जो मेरा कंटेंट था वो यहाँ पर शो हो गया। ये कंटेंट मैंने कॉपी किया था, तो आप कॉपी पेस्ट की हेल्प से भी अपने कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर हम एक हेडिंग ऐड कर देते हैं, लाइबर ऑफिस इम्प्रेस। इस तरीके से आप अपने कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल, हमें ये चीज नहीं चाहिए तो सिलेक्ट इट एंड डिलीट इट। आप इस हेल्प से अपने इस कंटेंट को डिलीट कर सकते हैं। नाउ अब आप कंट्रोल सी वी एक्स, ये तीनों शॉर्टकट्स जो हैं कट कॉपी पेस्ट के, वो आप ऑलरेडी राइटर एप्लीकेशन में पढ़ चुके हैं, उसे आप यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। डिलीट की को यूज करते हैं, बैक स्पेस को यूज करते हैं, सिलेक्ट करके डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। तो यही सारे मेथड्स यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं जब आप कंटेंट के साथ वर्क कर रहे हैं अपनी स्लाइड्स। अब हम आगे बात करते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार की। सो दिस इज द टूल बार। जैसे ही हमने ये टेक्स्ट यहाँ पर ऐड किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास फॉर्मेटिंग टूल बार आ गई। अगर हम यहाँ पर एक नई स्लाइड ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्लाइड एंड न्यू स्लाइड, तो जैसे ही हम यहाँ पर एक नई स्लाइड को ऐड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने इस बॉक्स को सिलेक्ट किया, अभी इस स्लाइड में हमने कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा है, तो यहाँ पर आपको कोई भी टूल बार नजर नहीं आएगी। जैसे ही हम यहाँ पर कुछ भी कंटेंट लिखना स्टार्ट करेंगे, वैसे ही ये एक टूल बार आपको यह नजर आएगी। ये टूल बार आप फॉर्मेट में, ये इस टूल बार को आप यहाँ इंसर्ट भी कर सकते हैं। टूल बार्स में आपको मिल भी जाती हैं। आपके पास ऑप्शन होता है व्यू में जाकर टूल बार्स, एंड यहाँ आपके पास होता है स्टैंडर्ड टूल बार, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। इस तरीके से टूल बार्स जो आप चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की टूल बार जो है ये आपको यहाँ पर मिलती है। तो दिस फॉर्मेटिंग टूल बार कंटेन्स ऑल द टूल्स रिलेटेड टू एडिटिंग ऑफ योर कंटेंट। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे कि फॉर्मेटिंग टूल बार में कौन कौन से ऑप्शन हमें मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की। लेट्स गेट बैक टू द फर्स्ट स्लाइड। जैसे ही मैंने यहाँ पर साइड बार को यूज किया और जिस स्लाइड पर मैं शिफ्ट करना चाहती हूँ उस स्लाइड को मैंने क्लिक किया, तो आप उस स्लाइड पर जंप कर जाते हैं। So let's start with formatting toolbar. The very first one is this. Formatting toolbar के सारे options आप बहुत अच्छे से जानते हैं, चलिए उसे एक बार फिर से revise करते हैं। The first one is किस तरीके का font face आप चाहते हैं। For example, currently we have selected this toolbar, this box, जहां पर आपका paragraph लिखा है। आपको formatting के लिए, let's say हमने पूरा text को select किया और यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग कोई फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, लेट्स से मेलगन गॉथिक सी। सो दिस विल कन्वर्ट, दिस विल इफेक्ट द फॉन्ट फेस कि कैसा वो आपको दिखाई देगा। जो आप राइटिंग लिखते हैं,
जैसे कि हम अपने नॉर्मल में आप स्टैंडिंग राइटिंग लिखते हैं, कर्सिव लिखते हैं, उस तरीके से बहुत सारे मिलते हैं आपको ऑप्शंस यहाँ पर. तो दिस इज द फॉन्ट बेस. नेक्स्ट वन इज साइज. लेट्स से कि अब आप देख सकते हैं कि जो साइज है ये आपका बॉक्स से थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है, थोड़ा बढ़ गया है, तो हम इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं. लेट्स सेलेक्ट 26. नाउ इट्स परफेक्ट. ये आपको आपकी स्लाइड में परफेक्टली एक बॉक्स के अंदर शो हो रहा है. दिस इज द फॉन्ट साइज. नेक्स्ट वन इज इंक्रीज. अगर हम इस पे इंक्रीज इस पे क्लिक करते हैं, शॉर्टकट आपको हर ऑप्शन की शॉर्टकट उसके साथ मिलते हैं. द शॉर्टकट इज कंट्रोल प्लस जे. दिस ऑप्शन इज यूज टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज बाय वन. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 10.5, देन 11, 12, 13. तो एक जो नेक्स्ट होता है स्टेप इंक्रीज करने का वही हम इससे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सेलेक्ट स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच. हमने सिर्फ इतना टेक्स्ट सेलेक्ट किया, क्लिक ऑन दिस. आप देख सकते हैं कि दिस सिलेक्टेड टेक्स्ट इज लिटिल बिट हायर, लिटिल बिट बिगर देन द अदर टेक्स्ट. अब आप इस पे दोबारा क्लिक करिए, डिक्रीज फॉन्ट, तो ये अपने ओरिजिनल फॉन्ट पे रहेगा. एक बार और क्लिक करिए तो एक स्मॉल फॉन्ट हो जाएगा. मतलब एक एक इनके, जैसे हम +1, +1, +1, -1 करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर फॉन्ट का ऑप्शन दिया था. तो ये होता है एक फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए और एक फॉन्ट साइज डिक्रीज करने के लिए. नेक्स्ट वन इज बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड स्ट्राइक थ्रू. अगर आप कट चाहते हैं, नहीं चाहते हैं तो दोबारा क्लिक कर दीजिए, वो ऑप्शन आपका रिमूव हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज सुपरस्क्रिप्ट. सुपरस्क्रिप्ट आप कैसे यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमने यहां पर लिखा 15. अब आप इस TH को अपर करना चाहते हैं, सिलेक्ट दिस वन, क्लिक ऑन इट. तो दिस इज 15th. सो जब भी हमें कोई भी चीज पावर में लिखनी होती है, जैसे आप इक्वेशंस लिखते हैं, मैथ्स में करते हैं, तो आप तब सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन को यूज कर सकते हैं. दिस इज सबस्क्रिप्ट, जब आपको बेस लाइन में कुछ लिखना होता है. फॉर एग्जाम्पल लेट राइट log log 10. स्पेस नहीं है. नाउ सिलेक्ट दिस एंड क्लिक ऑन दिस. सो नाउ 10 इज एट द बेस ऑफ जी. तो ये हमारी सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की ऑप्शन होती हैं. ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं जहां हम इन दोनों ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं. बहुत सारा टेक्स्ट होता है, बेसिकली जब आप मैथमेटिकली कुछ लिखते हैं या साइंटिफिकली कुछ लिखते हैं तब आप इन ऑप्शंस का यूज ज्यादा करते हैं. नेक्स्ट वन इज शेडो. अब शेडो अगर आपको अपने फॉन्ट की देनी हो, फॉर एग्जांपल लेट्स सिलेक्ट द हेडिंग ऑफ दिस स्लाइड. शेडो पे आप क्लिक करिए तो आपको एक शेडो नजर आ रही है, दोबारा क्लिक करेंगे तो वो रिमूव हो गई. तो दिस इज टॉगल. टॉगल मीन्स, टॉगल वर्ड का मीनिंग ये होता है एक बार ऑन एक बार ऑफ. सो दिस इज शेडो. नेक्स्ट वन इज आउटलाइन. अगर आपको भरा हुआ फॉन्ट नहीं चाहिए, आपको फिलिंग नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक आउटलाइन चाहिए, देन यू कैन यूज दिस. सिलेक्ट दिस, देखिए इस तरीके से. अगर आप एक बार सिलेक्ट करेंगे तो आउटलाइन आ जाएगा, दोबारा करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा. हर ऑप्शन इसी तरीके से वर्क करती है. नेक्स्ट वन इज क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग. आपने किसी तरीके की भी फॉर्मेटिंग की है, फॉर एग्जाम्पल हम इसे सिलेक्ट करते हैं. ऑन दिस टेक्स्ट इफ यू रिमेम्बर वी हैव अप्लाइड बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन. ये तीनों के तीनों हमने इस पे अप्लाई किए थे. इसको सिलेक्ट करके जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे ये अपने नॉर्मल फॉन्ट में आ जाएगा. जितनी भी इसके ऊपर आपने अप्लाई किया होगा वो सारी चीजें रिमूव हो जाएंगी. जो इसका फॉन्ट था, बेसिकली जो फॉन्ट था ये उसमें वापस आ गया. राइट, सो दिस वॉज द क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग. तो ये ऑप्शन बहुत हेल्पफुल होती है जब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन अप्लाई करते हैं और फिर एक अपने आप नॉर्मल टेक्स्ट में आना चाहते हैं, तो आप एक ही क्लिक से उन सारी फॉर्मेटिंग ऑप्शन को रिमूव कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट कलर. आप किस कलर में चाहते हैं? फॉर एग्जाम्पल दिस हाईलाइटेड, वी वॉन्ट टू राइट इट इन रेड कलर, तो आप रेड चूज कर लीजिए. आपको कोई और कलर करना है तो आप इस एरो पे क्लिक कर सकते हैं एंड यू विल गेट द लॉट ऑफ कलर्स, अ लिस्ट ऑफ कलर्स. आप अपने कलर्स को बना भी सकते हैं, कस्टम कलर्स हैं, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं. आप इनके अमाउंट को इंक्रीज या डिक्रीज करके अपने अकॉर्डिंग अपने कलर सिलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज हाईलाइट कलर. आपको अगर बैकग्राउंड में कुछ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सिलेक्टेड, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, लेट्स से सिलेक्टेड पिंक कलर, लाइट रेड 4 नाम है इस कलर का. सी, सो नाउ दिस इज द हाइलाइटेड टेक्स्ट. नाउ नेक्स्ट वन इज ये आपका हाइलाइटेड. तो यहां तक अभी तक हमने जितने भी ऑप्शन स्टडी किए हैं, ऑल दीज ऑप्शन आर रिलेटेड टू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. नाउ लेट्स मूव टू द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग. इसी टू फॉर्मेटिंग टूलबार में कुछ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस भी हमारे सामने हैं.
दिस वन इज लिस्टेड, बुलेट लिस्ट एंड नंबर्ड लिस्ट। अगर आपको आइटम कुछ सीक्वेंस में बनाना है, फॉर एग्जाम्पल यहां हम क्लिक करते हैं दिस वन, सो ये आपकी लिस्ट बन गई। अब जहां से भी आप एंटर करेंगे दिस विल बी ट्रीटेड एज अ न्यू पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल यहां रख के हमने क्लिक किया, दिस इज द न्यू पॉइंट। नाउ फॉर एग्जाम्पल यहां हमने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली जो बुलेट आपने सिलेक्ट किया ये उसी को लेता जाएगा। अगर आप चूज यू वॉन्ट टू चूज द फॉर्मेट तो आप यहां से अपना डिफरेंट काइंड ऑफ बुलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस। नाउ नंबर्ड लिस्ट मीन्स यू कैन एड द नंबर। फॉर एग्जाम्पल आई हैव राइट दिस, देखिए ये हमारा कर्सर जो था वो यहाँ था, तो आपका जो बुलेट है वो बुलेट से चेंज होके वन पे आ गया। तो यहाँ से भी आप डिफरेंट काइंड ऑफ लिस्टिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं जैसा भी आप चाहते हैं। तो जनरली ये चीज हमारी यूज होती है जब हमें कुछ आइटम्स को सीक्वेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सेकेंड लिस्ट पर आते हैं, सेकेंड स्लाइड पर। लेट्स से मैंने यहाँ लिखा हेडिंग इज वीकडेज एंड उसके बाद हमें सब लिस्ट लेनी है। तो यहाँ पर हम लेट्स से एबीसी स्टार्ट कर देते हैं। So let's say Sunday, Monday, Tuesday, and so on. So this is the example of bulleted list and numbered list. Generally, number हम वहां लेते हैं जहां हमें कोई sequence maintain करनी होती है, bullet हम वहां लेते हैं जहां हम arbitrary sequence में कुछ भी लिख सकते हैं। Next one is belongs to alignment. कि आप alignment कैसे चाहते हैं? By default the alignment is left. अगर हम सेंटर सेलेक्ट करते हैं तो ऑल टेक्स्ट गेट शिफ्टेड टू सेंटर ऑफ योर स्लाइड, एग्जैक्टली सेंटर में पहुंच जाएगा वो। दिस इज राइट वन एंड दिस इज जस्टिफाई। जस्टिफाई का इंपैक्ट आपको तब समझ में आता है जब आपने पैराग्राफ में कुछ लिखा है। लेट्स गेट बैक टू फर्स्ट स्लाइड, हम इसे सेलेक्ट करते हैं एंड क्लिक ऑन जस्टिफाई। तो दिस इज जस्टिफाई, आपका लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से जो मार्जिन है जो इंडेंटेशन है वो बिल्कुल सेम होगा। सो दिस इज जस्टिफाई अलाइनमेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज अलाइन टॉप। अब ये आपकी जो अलाइनमेंट होती है, अलाइन टॉप सेंटर वर्टिकली एंड बॉटम, ये आपको इम्पैक्टफुली तब नजर आती है जब आप टेबल्स में काम करते हैं। जब आपने किसी टेबल में कुछ टेक्स्ट बनाया है या किसी बॉक्स में लिखा है तब हम उसे वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस टेक्स्ट की बात करें, हम इसे सेलेक्ट करते हैं एंड सेंटर, तो ये देखिए आप अपने बॉक्स के अकॉर्डिंग ये वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। ये आपका हॉरिजॉन्टल सेंटर होता है, दिस वन इज वर्टिकल। नाउ इट्स परफेक्ट, सी दिस, इट्स दिस बॉटम एंड दिस इज टॉप। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दो अलग तरीके की अलाइनमेंट होती है हमारे पास। नेक्स्ट वन इज द सेट लाइन स्पेसिंग। अब ये हमने जिस तरीके से अपने टेक्स्ट को लिखा है इसके बीच में कुछ स्पेसिंग होती है। जब आप अपनी नोटबुक्स में लिखते हैं तो हर लाइन के बाद गैप छोड़ते हैं या एक लाइन से दूसरी लाइन पे आने पर उसके बीच में गैप होता है, दैट्स द स्पेसिंग। वो बहुत जरूरी है टू मेंटेन द क्लैरिटी। तो हम यहाँ अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय डिफॉल्ट द स्पेसिंग इज वन, इफ आई सेलेक्ट 1.5 See, the spacing between the content get increased. वो बढ़ जाता है और सेम वे में आप उसे कम कर सकते हैं। This one is the paragraph spacing. अगर आप किसी paragraph में ले रहे हैं, paragraph के लिए हम इस slide पर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर different different points हैं। अगर हम इन points को select करते हैं and now आप increase करेंगे तो आप देख रहे हैं कि हल्का सा increase हो गया है हर point के बाद, और करेंगे तो हर ये देखिए ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, जो सिलेक्शन हमें बता रहा है इनके बीच का जो गैप है ये इंक्रीज हो रहा है। सेम वे में आप इस ये गैप को डिक्रीज कर सकते हैं। तो दीज वर द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। इसकी हेल्प से हम अपने कंटेंट को सेट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इसमें लिख सकते हैं। नाउ यू आर रेडी विद दीज ऑप्शंस टू फिल योर स्लाइड विद योर कंटेंट ब्यूटिफुली। सो ट्राई इट, थैंक यू सो मच।